हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, जैसे आपको सबको पता है कि यार गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो गर्मियों के मौसम में जो है ना, हमें बहुत ही लाइट वेट जो है ना बेस चाहिए होती है हमारी स्किन के ऊपर। तो उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है कि मैं किस तरह से अपनी स्किन पे लाइट वेट बेस लगाती हूँ ड्यूरिंग समर्स। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने स्किन को वॉश कर लिया है, प्रेप कर लिया है। हल्के हल्के से मुझे फेशियल हेयर्स हो गए हैं, एक महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इनको अभी रिमूव करूँ या नहीं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी बेस बन जाएगी, इतने बड़े भी मेरे बाल नहीं हैं। तो स्किन को प्रेप करने के बाद सबसे पहले जो है ना, मैंने डर्माकोल का मॉइस्चराइज़र लिया है। ये डर्माकोल की और मिस रोज़ की सिल्क फाउंडेशंस हैं। मिस रोज़ की सिल्क फाउंडेशन और डर्माकोल की फाउंडेशन, ये दोनों फाउंडेशन जो है ना, मैंने बहुत ही थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लेकर अपनी हथेली की बैक साइड पर जो है ना, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप चाहें तो किसी एक ही कलर की फाउंडेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन का जो अमाउंट हो वो बहुत ही कम हो, उसको आपने अपने स्किन पर लगा लेना है। और उसके बाद स्पंज लेकर उसके ऊपर जो है ना, हमें मेकअप फिक्सर जो आता है, हम जो लास्ट में यूज़ करते हैं बेस को, उसके स्पंज के ऊपर लगा कर हमने टैप टैप करके पूरी स्किन पे लगा लेनी है। और उसके बाद जो ब्रश लेना है, फाउंडेशन ब्रश, उसकी हेल्प से भी हमने पूरी स्किन पे बहुत ही अच्छे तरीके से फाउंडेशन को लगा देना है। अच्छा, जो मेन रोल होता है समर बेस में, वो होता है हमारा कॉम्पैक्ट पैक। ठीक है, अगर आपके पास दो हैं कॉम्पैक्ट पैक, एक अपनी स्किन से थोड़ा लाइटर, एक थोड़ा स्किन से बिल्कुल मैच करता हुआ, तो वो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है अपनी स्किन से मैच करता हुआ एक ही कॉम्पैक्ट पैक लगाया है, और उसके साथ जो है ना अपनी बेस को सेट कर लिया। और उसके बाद ब्लश और कंटूर लगाकर सेम ब्रश के साथ जो है ना, मैंने अपनी स्किन पर जो है ना ब्लेंड कर लिया है। और इस तरह से जो आपकी बेस होगी ना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। आंखों में वाइट काजल डाला, फिर मैंने जो है ना उसमें ब्लैक काजल ही डाल दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे बुर्का पहनना था और मुझे जो है ना बहुत ही सॉफ्ट और नो मेकअप लुक जो है ना वो चाहिए था। फिर आंखों के ऊपर भी मैंने सिर्फ हल्का सा हाइलाइटर लगाकर एक न्यूट कलर की जो लिपस्टिक है वो मैंने जो है ना वो अप्लाई कर ली, और अपने आईब्रो को जो है ना मैंने शेप में ला दिया। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से, ये बेस आपकी ना ना करके भी ना, तो कम से कम 15 से 16 घंटे तक आराम से चलेगी। उसके बाद जो है, मेरे बाल थोड़े थिन हो गए हैं ड्यू टू एलोपेशिया, इस वजह से मैं इस तरह से पहले जो है ना एक छोटा सा कॉटन का स्कार्फ लेकर अब जूड़ा बनाकर लगा लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा अप हो, और जो भी स्कार्फ में रेशमी वगैरह पहनूँ तो उस पर जो है ना मुझे पिन अप करने में ईजी हो। तो मैंने अपने तरीके से स्कार्फ पहन लिया है। मैंने आपको बताया कि मैं बुर्का पहनने वाली हूँ, तो उस हिसाब से जो है ना मैंने अपने हिसाब से स्कार्फ पहना है। आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं स्कार्फ पहनने की, आप उनमें से कोई भी देख लें, या जिस तरह से आप पहनते हो आप उस तरह से पहन लीजिए। और मैं रेडी हो गई थी बाहर जाने के लिए, बहुत ही सॉफ्ट मेकअप लुक क्रिएट हुआ था। अच्छा जी, यही था आज की वीडियो में। ओके जी, ये रहा मेरा फाइनल लुक, और अभी मैं निकलने लगी हूँ बाहर के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो ये लुक है आपको बहुत पसंद आया होगा। अब आप इसको जो है ना बुरके भी पहन सकते हैं, किसी फंक्शन वगैरह पे भी आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट लुक रहता है, और पूरा बाज़ार आप घूम फिर कर आ जाओ, ये इसका मुझ से सही नहीं बनना, लेकिन मैं इस तरह से ही बांध देती हूँ, तो मैंने भी आप लोगों के साथ यही शेयर कर दिया। बहुत ही सॉफ्ट सा लुक रहता है, और आप आराम से कहीं भी आ जा सकते हो, आप ये देख सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कोई ओवर कोई सारा मेकअप लगाया हुआ है। मेरे आईब्रो थोड़े रह गए क्योंकि वो मुझे मिली नहीं, फुली कॉम जो है ना वो मुझे नहीं मिली, तो मैं आपको धूप में जाके दिखाती हूँ।